प्रिया एंड वेलकम बैक टू मई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, सबसे पहले बोलूं थैंक यू सो मच मेरे न्यू फैम फॉर ऑल द लव। आप लोगों ने मेरे लिए इतना गुड विशेस भेजा, आप लोग मेरे न्यू घर के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का कॉमेंट पढ़ के यार। तो आज चलो फाइनली आपकी व्यू दी, अपना घर ले ली है, तो वो घर आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आप लोग देख लो, मैंने पूरा अच्छे से लिया। देखो पहले तो मैं जो वीडियो शेयर करूंगी वो उतना अच्छा नहीं है, मैं जब देखने गई थी बस नॉर्मल लिया था। जितना हो सके मैं अच्छे से आप लोगों को शेयर करूंगी कि घर कैसा है, और मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब आप लोग देख के बताना कि कैसा हुआ है। ओके सो चलो चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज ये है हमारे घर का एंट्रेंस, और ये है एंट्रेंस, यहाँ से भी है और पीछे का भी एंट्रेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा जो घर है वो ब्लॉक बी में है, मतलब इस साइड से जाना होगा, पर अगर आपका व्हीकल्स है तो इस साइड से जाना सही है, व्हीकल्स रखने का जगह है। तो ये ब्लॉक बी है। ओके चलो अंदर। तो ये स्पेस में व्हीकल्स रखने का जगह है, और अभी चलते हैं हमारे रूम पे, हमारे घर पे। सारे चीजें यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है हमारा, ऊपर भी जगह है स्टोर करने का, और जैसा आप लोगों ने देखा नहीं है, ये है मेरा अलमीरा जो कल शाकिब लेके आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये अलमीरा। और आप लोग ना बस विंडो देखो, वो घर में जो प्रॉब्लम था लाइटिंग का, ये घर में बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइटिंग है। और बाथरूम में भी काफी बड़ा स्पेस है, और मैंने सोचा है जो ये रूम है ना, इसे मैं स्टूडियो रूम बनाऊंगी अपना। यहाँ पे भी काफी बड़ा बड़ा विंडो है, और अब्राहम काफी खुश है दिख रहा है आप लोगों को। सारे सामान बिखरे पड़े हैं यहाँ पे ना, स्पेस काफी अच्छा है, काफी अच्छा स्पेस है यार, काफी अच्छा स्पेस भी है। और पीछे का भी हम शाम के टाइम में घुमा के दिखाएंगे कि लाइटिंग में कैसा लगता है। और ये है वॉशरूम, काफी स्पेस है, गीजर लगाने का भी जगह किया गया है, यहाँ पे बेसिन दिया गया है। ओके मैं एक बार आप लोगों को विंडो खोल कर दिखाती हूँ। यहाँ पूरा ना गाछ लगाया हुआ है, सो काफी मजेदार सा हवा यहाँ से आ रही है। यहाँ खोल देते थोड़ा सा ना, स्मेल है जो वो पास हो जाएगा। ओके ये है नजारा। मैं सोच रही हूँ आज एक बार छत में घूम के आऊँ, क्योंकि मैं गई नहीं एक बार भी, पूरा सब कुछ देख लिया है, बस छत नहीं देखा। चलो देख के आते। सो ये है छत हमारे ब्लॉक का, काफी स्पेशियस है, यहाँ पे रील्स भी बना पाएंगे यार, तो पर इतना गर्मी में कौन रील्स बनाएगा। अब देखते हैं यहाँ से नजारे कैसा दिख रहा है, सब छोटे सब घर छोटे लग रहे हैं ना। एक दिन मतलब ये ड्रीम था अच्छे घर में रहने का, चलो न्यू फैम आप लोगों के लिए ये पॉसिबल हुआ, पर रेंट का है, एक दिन खुद का जरूर खरीदेंगे, है ना। और इस साइड पे भी है छोटू सा छत, वो रहा हमारा नौबान्नो जहां मैं रहती हूँ, देखो वो नौबान्नो के पास है मेरा घर, वहां पे सेकंड ब्रिज, जो सेकंड ब्रिज है उसके पास में शीला का घर, समझ रहे हो ना।
इतना दूर है पर कांच पास में ही है, सभी तो दिखाई दे रहा है। ओके चलो, ये देखो घर के का पीछे का जोन पूरा गच लगाया हुआ है, प्लांट्स, मेरा बंगाली निकल जाता है, पूरा प्लांट्स लगाया हुआ है, मेरे जल्ला से अच्छा अच्छा हवा निकलता है इसीलिए। और अभी हम लोग सोच रहे हैं हमारा एसी कहाँ लगाएं, यहाँ पे ऑलरेडी किसी का एसी है, मशीन जो है, और यहाँ काफ़ी स्पेशियस है। मैं यहाँ से घूम के आती हूँ, आप लोग जाओ वहाँ। चलो पीछे से देखते हैं कैसा है। ये भी मतलब बहुत बड़ा है, हम लोग घूम के नहीं देखे अभी तक, तो पार्किंग जोन ही है। अब आते आते जब हम लोग नाइट वॉक करेंगे तब पता चलेगा। सोनू आके खुश होगी, आई थी, खुश भी हुई थी क्योंकि यहाँ पे घूमने का काफ़ी स्पेस है खेलने का। तो ये मेन गेट में निकल रहा है सामने, यहाँ पे बड़ा सा पार्किंग जोन है। ये और एक मेन गेट है और यहाँ पे सारे ट्रीज वगैरह देख सकते हो आप लोग, वहाँ पे बहुत फुल गाज भी है सामने। ओके चलो, सो टूर हो गया, घर चलते हैं। सो गाइस, यही है मेरा न्यू फ्लैट, पर फिर से बोल दूं ये मैंने ओनरशिप में नहीं लिया, ये रेंटल फ्लैट है। ओके और गाइस जरूर बताना कि ये फ्लैट कैसा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं, और कहाँ क्या रखना है मुझे जरूर सजेस्ट करना। और मैंने ऑलमोस्ट किया है रेडी, थोड़ा सा रेडी कर लिया है और बहुत कुछ मैंने लिया भी है डेकोरेशन के लिए, वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है कुछ सजाने में अच्छे से, और बहुत चीज आना बाकी भी है अभी भी, तो जितना चीज आएगा सब मैं देती रहूंगी। और आज से मेरा डेली व्लॉगिंग, पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग लाऊं। और फ्लैट कैसा हुआ जरूर बोलना और मेरे लिए दुआ जरूर करना कि ये फ्लैट में रौनक आ जाए और मेरा जो रोजी है उसमें बरकत आ जाए, जरूर मेरे लिए दुआ करना, प्रेयर करना, सब अपने अपने भगवान के पास जरूर करना। ओके सो चलो गाइस, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, और कैसा लगा कमेंट जरूर करो। बाय गाइस, सोनू भाई बोले दे बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।